नमस्कार दोस्तों, आरबीआई मीडिया में आपका स्वागत है। फाजिलका से सालासर धाम के लिए रवाना हुई श्री राम भगत सेवा संघ की डाक ध्वजा यात्रा पल्लू के निकट पहुंच गई है। झूमते नाचते हुए भगत जन अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। फाजिलका से यह यात्रा शुरू की गई थी जो कि अब पल्लू के निकट पहुंच गई है। श्री राम भगत सेवा संघ के 40 सदस्य हाथ में ध्वजा लेकर सालासर धाम की ओर बढ़ रहे हैं। महा कवरेज आपको दिखा रहा हूं। फाजिलका से सालासर धाम को रवाना हुई श्री राम भगत सेवा संघ की डाक ध्वजा यात्रा पल्लू के निकट पहुंच गई है। इस यात्रा में जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रंजन कामरा, आम आदमी पार्टी के नेता अरुण वधवा, सरहद केसरी के सह संपादक दीपक नागपाल, शिवसेना बाल ठाकरे के मालवा जोन अध्यक्ष उमेश कुमार, विक्की मिड्डा सहित अजीत समाचार के पत्रकार रितेश कुक्कड़ भी इस पैदल यात्रा में शामिल है। डाक ध्वजा यात्रा फाजिलका से सालासर के लिए रवाना हुई थी जो कि अब पल्लू के निकट पहुंच गई है। श्री राम भगत सेवा संघ की यह यात्रा 15 मार्च को सालासर धाम में पहुंचेगी। सालासर धाम में स्थित श्री बालाजी के मंदिर में यह ध्वजा चढ़ाई जाएगी। देख पास से झूमते नाचते हुए यात्री अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। भगतां संग नाच रयो होई उड़ी उड़ी जावे रंग गुलाब, पग में घुंघरू बांध के नाचे सम सम मायंजनी कोला। फाजिलका से यह पैदल डाक ध्वजा यात्रा सालासर धाम को रवाना हुई है। श्री राम भगत सेवा संघ की इस डाक ध्वजा यात्रा में शैलर एसोसिएशन के प्रधान अरुण धुड़िया भी विशेष रूप से शामिल है। उनके द्वारा भी इस यात्रा में शामिल होकर बालाजी के धाम सालासर की यात्रा की जा रही है। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ। बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरा चैनल। मंदिर में मारा बालाजी नाच रहा, राजू गए भजना पे बाबा ते नाच नाच गए करो कमाल। फाजिलका से सालासर धाम को रवाना हुई श्री राम भगत सेवा संघ की पैदल डाक ध्वजा यात्रा की महा कवरेज हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं घुंघरू बांध के नाचे चम चम मां अंजनी।